हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एसपी पी गोयल जाइएस क्लास रूम प्यारे विद्यार्थियों जैसा आपको पता है हर साल एक मशरूम पे क्वेश्चन आता है जो कि आपके पहुंच से बाहर होता है आपकी रीच में नहीं होता वो क्वेश्चन 2022 में भी आया गुच्छी पे 2023 में भी आया 2024 में भी एक्सपेक्टेड है और बहुत सारे बच्चों ने मेरी जो लाइव क्लास थी संडे को उसमें रिक्वेस्ट की और ईमेल के माध्यम से उन्होंने कहा भाई आप जो है एक मशरूम पे जो है हमें अवेयर कीजिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं आज एक बड़ा कंसाइज फॉर्म में जो कि एक आम आदमी को जितना पता होना चाहिए मशरूम के बारे में वो लेके आया हूँ क्योंकि तो मैंने पिछले तीस साल जो है मशरूम पे जो है काम किया है और मशरूम पे मेरी पीएचडी है तो मेरे से बेटर तो कोई बता नहीं सकता लेकिन आपको उतना तो ही बताऊंगा जितनी आपको जरूरत है अब मशरूम क्या होती है ये पिछली बार क्वेश्चन आया है मशरूम ये फंगस फ्रूट बॉडी होती है मतलब फ्रूट है जिसके अंदर बीज है बीज को कहते हैं स्पोर समझो ये जो आपको कैप दिख रही है ना इसके नीचे स्पोर बनता है अंदर और वो स्पोर जो है नीचे जो है स्प्रेड होते रहते हैं और ये जो खाद बना रखी है नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें खाद पे मशरूम उगा रखी है आर्टिफिशियल ठीक है तो इट इज ए फ्रूट बॉडी ऑफ फंगस एडिबल भी हो सकती है और पॉइजनस भी हो सकती है एलोसिजनिक भी हो सकती है एडिबल में एगेरिकस एगेिकोरस वाइट वाटर मशरूम ये हमारे नाइनटी परसेंट जो है इंडिया में एगेरिकस बाइस है दूसरे कंट्रीज में पोलोटस है कैलोसाइब है बहुत सारे मशरूम है लंटाइनस है पॉइजनस एंड एलुसजनिक भी होती है ये एमीनिटा है लेकिन ऐसी कोई पहचान नहीं है दुनिया में कि सीधा यह पता चल जाए देख के कि यह खाने योग्य है या नहीं है रेम्यूनिट &E से खाने से तो जो है बहुत सारे लोग मर जाते हैं डेथ हो जाती है फिर फंगस क्या होती है फंगस ए क्लोरोफिलस होती है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती हमें बना के देना पड़ता है सबस्टेट इसकी चॉइस का हर एक मशरूम का सबस्टेट अलग अलग है हर एक स्पीसीज का वो तो साइंस में जो है हमने इसको बार बार रिसर्च किया है तो इसका सबस्ट्रेट होता है क्योंकि इसको सनलाइट नहीं चाहिए जिस तरह से हम दूसरी फसलों को चाहिए वीट को शुगर के इनको फिर नेचर में वाइल्ड स्पीशीज बहुत होती है नेचर में लेकिन अब जैसे जंगल कटते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है इनका जर्म प्लाजम कम होता जा रहा है मोरल जो है गुच्छी जिसको कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पाई जाती है जम्मू कश्मीर की गुच्छी को तो गुच्छी कहते हैं इसको उसको जीआई टैग मिला है और ये सिर्फ वर्ल्ड में होती है आर्टिफिशियल हालांकि एक्सपेरिमेंटल तौर पे तो मैंने देखा है हिमाचल प्रदेश सोलन में एक्सपेरिमेंट पे आई सी ने किया है तो भी लेकिन कॉमर्शियल नहीं है आने वाले समय में हो सकता है हो जाए इसकी कम कम से किलो मिलती है ये इम्यूनिटी के लिए लोग ले जाते हैं इसको इम्यूनिटी के लिए खाते हैं इम्यूनिटी आ जाए प्रोटीन है ये सारा मैं बताऊंगा आगे दे डोंट रिक्वायर सनलाइट मैंने आपको बताया दे प्रोड्यूस जिससे देखो हरे जो है जीव जंतु अपने जनरेशन बढ़ाने के लिए सीड प्रोड्यूस करता है मशरूम में इसको स्पोर कहते हैं और हर मशरूम के के लिए सब स्टेट बढ़ा के देना पड़ता है चॉइस का जो आर्टिफिशियल ग्रो करते हैं हम नेचर में तो अपना आप हो जाती हैं ये फॉरेस्ट में होती हैं या आपने देखी भी होंगी गाँव में जो है जहां पे गोबर वगैरह पड़ा रहता था वहां पर हो जाती है थी पहले लेकिन अब कम है वाइज मशरूम कल्टिवेशन एन इम्पोर्टेंट कम्पोन पोल्ट्री है ऐसे मशरूम एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्यों है क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है उसकी रिसाइकिलिंग हो जाती है मेन एग्रीकल्चर वेस्ट है पेडीस्ट्रा जो हम जलाते हैं दूसरा इससे इनकम मिलती है एम्प्लॉयमेंट मिलती है सम्माल एंड मार्जिन फार्मर और लैंडलेस को भी थोड़ा कम स्पेस की जरूरत पड़ती है थोड़े से स्पेस में वर्टिकल फार्मिंग करते हैं इसमें चार चार पैसे बना लेते हैं टायर सिस्टम में जैसे रेलवे के कंपार्टमेंट में होता है ना जैसे देखते हैं टायर सिस्टम होता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसमें प्रोटीन मिनरल्स फाइबर वाइटामिन ठीक है तो इससे बड़ी न्यूट्रिशियस है मेडिसन वैल्यू है एंटी ट्यूमर कंपाउंड है स्पेंट कंपोस्ट स्पेंट कंपोस्ट होते हैं मान लिया हमने मशरूम उगा ली उसके बाद जो सब्सटेट बच गया ना ये मैंने खुद ने भी उगा रखे घर में तो जो बचता है तो हम क्या करते हैं वो किचन गार्डन में डाल देते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स में तो ताकि उसको वो जो न्यूट्रिशन नू, नू, मिल जाता है वेजिटेबल को एज ऑर्गेनिक मैंने और यूज कर सकते हैं स्पेंट कंपोस्ट ठीक है ना देन एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है क्योंकि हम पेडिस्टा नहीं जड़ा के मशरूम उगाएंगे और फिर उसका डोमेस्टिक यूज करेंगे न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के लिए एक्सपोर्ट करेंगे ये जो फैक्टर है मशरूम वाला ये हमारा जो है इंडिया में अभी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था मशरूम हमारी जितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई अभी हम पेडिस्ट्रा जब किसानों को यह पता चल जाएगा इतनी मशरूम उगा सकते हैं इसमें तो पेडिस्ट्रा हमारा नहीं जलाएंगे एन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा नेक्स्ट इससे मिलती जुलती है देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल लैंडलेस वुमेन एंड रिसोर्सलेस फार्मर्स बड़ी कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाती है इवन यू कैन स्टार्ट मशरूम कल्टिवेशन फ्रॉम रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज देर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स स्कीम रिजिलियंट फ्रॉमस्ट रेंज एंड अदर नेचुरल एंडिटी क्योंकि ये इंडोर है नेचुरल को कोई असर ही नहीं है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो यस हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया देखिए पर यूनिट एरिया बहुत प्रोडक्टिविटी आती है एक ही जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जब मैंने मशरूम के शेड लगवाता हूँ तो एक टू थाउजेंड स्क्वेयर फुट में ये देखिए आप करीब करीब 2000 हजार स्क्वेयर फुट में 30 क्विंटल मशरूम हो जाती है टायर सी चार टायर बनाते हैं हम चार मंजिल बनाते हैं तो ये तो वैसे बता रहा हूं ये याद नहीं रखना आपने देन रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकिल हो सकता है जो पेडिस्ट्रा के लिए हम करोड़ रुपया जो है सरकार खर्च कर रही है ना जलाओ दुनिया भर का मशीनें दे रही है पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में रिसाइकिलिंग हो सकती है बड़े अच्छी तरह से मशरूम कल्टिवेशन डिस्करेजंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे मैं, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है एग्रीकल्चर सीरीज में उसको भी आपने देखना है ठीक है उसमें रिसोर्सिस का जो है एफिशियंट यूज होता है और मैक्सिम प्रोडक्टिविटी आती है पर यूनिट एरिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट हम इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास पेडिस्ट्रा है हमारे पास लेबर है पॉपुलेशन है हमारे पास स्पेस है लेकिन फार्मर एक्सपोर्ट नहीं कर पाया अभी तक ढंग से इंडिया में आज तक मुझे पिछले 20-30 साल हो गए मशरूम कल्टीवेशन में लेकिन हम देखते हैं डोमेस्टिक तो काफी इम्प्रूवमेंट हुई है काफी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है हमारी लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हुआ उतना जितना होना चाहिए इको फ्रेंडली दिस इज एको फ्रेंडली एक्टिविटी बिकॉज वी आर सेविंग आवर पेडिस्ट्रा फ्रॉम बर्निंग इसमें कोई भी जो है कंपोनेंट नहीं है मीथेन वगैरह का ग्रीन हाउस गैस का अब मशरूम के अंदर भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है मेडिसिनल वैल्यू भी है आप सभी को पता है लेकिन एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए प्रोटीन थ्री परसेंट फ्रेश वेट बेसिस पे वे. मान लिया हम सौ ग्राम मशरूम फ्रेश खाते हैं तो उसमें तीन परसेंट प्रोटीन होता है प्रो प्रोटीन नाइन्टी नाइन परसेंट डाइजेस्टिबल है हमारा और कोई भी प्रोटीन इतना डाइजेस्टेबल नहीं है मीट प्रोटीन देखिए आप बड़ा कम डाइजेस्टेबल है

इटामस विटामिन डी बी कॉम्प्लेक्स बी ट्वेल्व इसमें बहुत सारे विटामिन देन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे इम्यूनिटी लाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, बीमारियों से बचाते हैं लो इन सोडियम फैट कार्बोहाइड्रेट यस डाइट फॉर डायबिटिक एंड आर्ट पेशेंट आर्ट लेंटाइनस हैज एंटी ट्यूमर कम्प्रोलटाइनस एक जैपनीज मशरूम है जापान और चाइना में खाते हैं ज़्यादा हमारे भी होने लगी थोड़ी बहुत वो कैंसर को जो है पेशेंट्स को दी जाती है ठीक करने के लिए एंटी ट्यूमर कंपाउंड है उसमें देन इट मशरूम प्रोवाइड्स इम्यूनिटी देखिए कोरोना में जब ना मशरूम बहुत खाते थे लोग इम्यूनिटी लाते हैं ये रिच इन फाइबर फाइबर चाहिए हमें इंटेस्टाइन के लिए इसमें फाइबर होता है तो ये मोटे तौर पे मैंने बताया जो आपको पता होना चाहिए अब ये एडिबल फंजाई है एडिबल मशरूम कह सकते हैं जो हम खा सकते हैं कोई डर नहीं है इनका और इनको सभी को जो है हम इंडिया में उगा रहे हैं अब सबसे पहला है सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्स बाइस सबसे ज्यादा नाइन्टी फाइव परसेंट हमारे एग्रीकल्च बाईस पोसी मान के चल अब वो नाइन्टी परसेंट यू कैन से साउथ इंडिया में प्लोरटस है क्योंकि एगेरिकस बाइस पोरसी विंटर मशरूम है उत्तरी भारत में विंटर सीजन में होती है ये हरियाणा पंजाब यूपी ये इन में ज्यादा है स्टेट्स में जहां पर ठंड पड़ती है इसके लिए हमें 16 से और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उगाने के लिए इसको यूरोपियन मशरूम भी कहते हैं उसके बाद आता है ओस्टर मशरूम पोलोटस पोलोटस की जो है खेती हो सकती है सीजनल तीन चार फसल आ सकती है ये पच्चीस से तीस डिग्री पे हो सकती है टेम्परेचर पे सेल्सियस पे और मैंने देखा है कोयम्बटूर कर्नाटका में इसकी खेती काफी हो रही है उड़ीसा में और ये मशरूम जो है न्यूट्रिशन में कहीं भी एग्रीकल्चर बाइस से कम नहीं है बल्कि पोलोटस ऐसी मशरूम है जो कि कोलेस्ट्रोल को कम करती है खाने से लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जब उगाते हैं तो इसमें स्पोर उड़ता है वो एलर्जी हो जाती है अंदर जाता है सांस में इसके फिर है वॉलवरेला ये भी पेडिस्टा मशरूम है गर्मियों की है पच्चीस से तीस डिग्री सेल्सियस की है केलोसाइबे तीस से पैंतीस डिग्री सेल्सियस की है यह भी गर्मियों की मशरूम है जो गर्मियों की मशरूम उसके हम दो दो क्रॉप ले सकते हैं तीन तीन क्रॉप ले सकते हैं चा चार चार क्रॉप भी ले सकते हैं भारत में इसलिए काफी स्कोप है इसका एक्सपोर्ट का लेंटाइनस ये वुड लोग पे होती है जो समझिए आप जो लकड़ी का बुरादा है इज करके उस पर जो ना बीज डालते हैं आगे बताऊंगा मैं तो एंटी ट्यूमर कंपाउंड होते हैं इसको जैपनीज मशरूम भी कहते हैं कोडिसेप्स, कोडिसेप्स का जो है काफी आता है आजकल ये आर्टिफिशियल ग्रो करने लग गए हम ये इंसेक्ट के लार्वी पे होती है ये पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन वो तो कौन सी मशरूम है इनमें से जो इंसेक्ट के लार्वी पे होती है ऋषि मशरूम ये भी दवाइयों में जो ना यूज होते हैं चाइनीज मशरूम में बहुत मशरूम यूज हो रही है गैनोड्रमा ऋषि मशरूम कहते हैं इसको इसके कैप्सूल भी बनते हैं इम्यूनिटी के लिए टर्मिटोमाइसिस ये भी आ सकता है एग्जाम में ये जहां पर ट्रमाइट के मोन्स होते हैं ना उनके ऊपर उतती है इसको भी वो चाहिए ऑर्गेनिक मैटर जो ट्रमाइट जो है ना ऑर्गेनिक मैटर बनाती है ना सेलोज खा खा के वो इसको चाहिए कोई तो सिम्बोटिक रिलेशनशिप है मशरूम और ट्रमाइट का ये भी क्वेश्चन आपके में ऐसा पूछा जा सकता है ये सारी के सारे मशरूम एडिबल है इनमें कोई भी दे सकते हैं आपको अब ये गेरी पर सिंपली आपको याद रह जाएगा ऐसी होती है आप खाते हैं इसको इंडिया में ये बड़ी पॉपुलर है और इसी पे मेरी जो ना पीएचडी है और पिछले तीस साल जो है मैंने खास करके उत्तरी भारत में इसकी खेती को काफी बढ़ावा दिया और एक दो परसेंट मेरा भी कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से मुझे आई से नेशनल अवार्ड मिला अब ये देखिए कोडिसप्स ये नई मशरूम आई है पहले नहीं थी लेकिन ये भी एक भी नहीं है एक्सपेरिमेंटल स्टेज में कह सकते हैं एटलीस्ट मैंने नहीं खाई अभी तक देखिए है अब ये मशरूम बड़ी पॉपुलर हो सकती है दक्षिण भारत में बड़ी पॉपुलर है पोलोटस मशरूम डिंगरी मशरूम गार्डन बनाया पोलिथीन बैग में पहले पेडिस्ट्रा डाल लेते हैं उसके ऊपर बीज डाल देते है पेडिस्ट्रा गिला करते हैं दस बारह घंटे सोकिंग करते हैं पानी में फिर सोकिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई करके उसमें बीज डाल देते हैं स्पान कहते हैं बीज को मशरूम के बीज को क्या कहते हैं स्पान सीड वो डाल के

फाड़ के और उसको हटा देते हैं इस तरह से नजर आएगा फिर आपको ये जुड़ जाता है फिर उससे फंगस से जुड़ जाते हैं लिवा पे ठीक है ये तो आपको पता होना चाहिए तीन चार क्रॉप हो सकती है और पच्चीस तीस डिग्री पे होता है वोलवोरेला भी इसी तरह से है इसकी भी खेती भी नहीं है हमारे यहाँ लेकिन विदेश में ये सारी बराबर है विदेश में जो है आपको दस डॉलर पर के से कम नहीं मिलेगी पेडिस्टा मशरूम लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कोई पच्चीस तीस रुपए के भी नहीं लेता ना पलोटस बिकती सिर्फ वाइट बटन खाते हैं ज्यादातर साउथ में खाते हैं पलोटस पेडिस्ट्रा मशरूम भी साउथ में होती है बहुत कम है अभी पेडिस्ट्रा पे सिम्पली हम जो ना स्पान डालते हैं हर एक का बीज अलग अलग है जैसे व्हीट का अलग है राइस का अलग है इसी तरह मशरूम में भी हर स्पीसी का अलग है और इसकी भी जो है इंडिया में सबसे बड़ी लैब जो है मैंने लगवाई है पूरे इंडिया में जो कि सबसे ज्यादा सीड प्रोड्यूस करती है माइक्रोबोलॉजी लैब जो है स्टेबलिश करवाई है मैंने आज से दस साल पहले जो कि जिसमें काफी जो है पूरे भारत वर्ष में वहां से बीज डाल जाता है मशरूम का अभी एलेंटाइनस ऐसी होती है आपको थोड़ी शक्ल याद रखनी है ये वुड लोग पे होती है जहां पे काटते ना पेड़ फॉरेस्ट में वहां पे ये क्या करते हैं बीज डाल देते हैं इसका स्पान और वहां उग जाती है ये या फिर लकड़ी के बरादे पे भी उगा सकते हैं लकड़ी के चिप्स पे भी उग जाती है शिटाके कहते हैं इसको शिटाके मशरूम जैपनीज चाइना और जापान में खाते हैं अब ये मिल्की मशरूम है गर्मियों में होती है ये वाइट बटन से ना थोड़ी सी इसकी जो स्टॉक है स्टाइप कहते हैं इसको ये लंबी है जो डंडी है इसकी लंबी होती है और कैप जो है थोड़ी छोटी होती है कैलो साइपे कहते हैं इसको मिल्की मशरूम गर्मियों में उगती है हरियाणा में मैंने जो है दो तीन जगह उगाई है लेकिन इसकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है अभी तो ये उग सकती है पूरे इंडिया में और ख़ास करके साउथ इंडिया में सिंपली हमने इसके लिए कंपोस्ट बनानी पड़ती है उसमें उग जाती है ये तो ये ड्रमा है ऋषि मशरूम ये भी हम उगा सकते हैं ये सारी मशरूम जो है हमारा एक सेंटर है आई का सोलन में डायरेक्ट्रेट ऑफ मशरूम रिसर्च वहां पर यह सारी लगाते हैं ये टर्मिटोमाइसिस मैंने बताया ये ग्रो करती है टर्माइट के माउंट्स पे हिल्स पे उसके साथ रिलेशन में ये एडिबल है सारी ये मोरकेला जो है ये कॉमर्शियल नहीं है ये क्या करते हैं जंगलों में जाके उनको पहचान है इसकी मोरल्स की वो उखाड़ के ले आते हैं और फिर इसकी बड़ी डिमांड है इज वेरी मशरूम रुपए किलो तो ग्राम में लेके आते हैं इम्यूनिटी के लिए ज्यादा ये मोरल गुच्छी कहते हैं इसको और कश्मीर के जो मोरल है उसको जीआई टैग मिला है इसलिए वो एग्जाम में आई आपके ठीक है ये इसको अभी कॉमर्शियल कल्टिवेशन इसकी हुई नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जो है इंडिया में ये सोलन में मैंने देखी है उगती हुई सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है मोरकेला अब ये इनोकी मशरूम ये विदेशों में बड़ी इसकी डिमांड है हमारे यहाँ नहीं कोई हुआ था इसको इनोकी मशरूम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है कहीं आपको रिसर्च स्टेशन में मिलेगी बाकी जगह नहीं है फार्मर फील्ड पे मैंने नहीं देखी आज तक इसको कहते हैं इनोकी मशरूम एडिबल है ये। और ये और है अब ये पॉइजनस एंड हेलिशनिक मशरूम है एमिटा कई मशरूम ऐसे होती है ग्लो भी करती है रात को चमकती है ग्लो करती है ऐसा कोई कंपाउंड होता है जो ग्लो करता है ये कलरफुल तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता फील्ड में जाके कि इसको खाएं या ना खाएं ऐसी मशरूम बहुत है खासकर यूएसए में हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो है एक दो बार रिपोर्ट हुई है ये चाइना में भी रिपोर्ट हुई है लेकिन एज कंपेयर टू एडिबल वर्ल्ड में भी जो है एक दो परसेंट है नाइन्टी फाइव परसेंट ये मान के चलो एडिबल ही है लेकिन वी कैन नॉट टेक रिस्क और कोई पहचान नहीं है ऐसी कोई जिसे ये पता चल जाए ये पौजने से देखने के बाद अब इनकी कल्टीवेशन आर्टिफिशियल कैसे करते हैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं ये क्या है पोलिथिन बैग्स में इस तरह से कल्टीवेशन होती है गिरफ्तार दिखा रहा हूँ मैं ये इस तरह के मैंने कई हजार फार्म लगवाए हैं उत्तरी भारत में इसके लिए पॉस्चराइज कंपोस्ट तैयार करते हैं वीटभोसा से पेडिस्टा से एरोबिक मेथड से जब वो पॉस्चुराइज होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम छीट डालते हैं स्पान स्पान के मैंने बताया कि इसके लेबोरेटरी में तैयार होता है ये फंगस तैयार करते हैं और फंगस कैसे तैयार करते हैं जैसे ये मशरूम दिख रही है ना आपको इसका एक टिश्यू ले, ले लेते हैं कंडीशन में वो टिश्यू जो है मीडिया में डाल के उसको स्पॉन बना लेते हैं टिश्यू से टिश्यू कल्चर होती है मशरूम की ये भी पूछ सकते हैं टिश्यू कल्चर किस किस प्लांट की होती है मशरूम की है पपाया की है शुगर केन की है स्ट्रॉबेरी की है ठीक है तो एगेरिकस की सबसे ज्यादा कल्टिवेशन होती है इंडिया में नाइनटी फाइव परसेंट एगेरिगस मान के चलो आप पार्सराइज कंपोस्ट सॉफेट है इसका इंडोर कल्टिवेशन होती है और टायर सिस्टम होते हैं देख रहे हैं ना आप एक के ऊपर एक दो दो फुट पे ऐसे हम बांस के या बैम्बू के या लोहे के ऐसे चिड़िया सी बना लेते हैं उसके ऊपर रखते हैं प्लेटफॉर्म बना लेते हैं चार और अठारह से बाईस तक इसका टेम्परेचर है फ्रूट बॉडी बनती है इसकी ये, इस ये जो साइज होता है ये तोड़ के इसको तोड़ते हैं फिर हम घुमा के तोड़ के इसको वॉश करके और फिर जो है काट के इसको वॉश करके इसकी पैकिंग कर लेते हैं टू ग्राम की पोलिथीन बैग में पीपी बैग में ठीक है और ये जब खाद बनाते हैं जब ये हमारा जो ना माइसिलियम फंगस फैल जाते हैं ना तो उसके ऊपर एक केसिंग सी एस आई एन जी नारियल का बरादा होता है उसकी एक लेयर बिछा देते हैं एक इंच की वो एक स्लाइज लेयर होती है वो लेयर से मशरूम निकलती है फिर यदि वो लेयर नहीं बिछाएंगे केसिंग की तो मशरूम नहीं निकलेगी ठीक है फिर ऑयस्टर मशरूम है पेडिस्टा मशरूम पेडिस्टाप होती है पेडिस्टा मशरूम तो है ऑयस्टर मशरूम डिंगरी कहते हैं इसको डिंगरी ऑयस्टर की तरह शेप होती है डिंगरी की मैंने आपको दिखाई है उसमें पिक्चर में इसके तीन चार क्रॉप लेते हैं साउथ इंडिया में कोइमटूर में मैंने देखिए कर्नाटका में मैंने बेंगलोर साइड में बड़ी इट कैन बी सनड्राइड जो है ये नहीं हो सकते एग्रीकस एग्रिक्स के हम जो है यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं कैन मिलते हैं आपको बड़े सेफ होते हैं दो तो तीन साल तक खराब भी नहीं होते बड़े सेफ होते हैं उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता ये भी आ जाए ना कौन मशरूम इसमें सनड्राइड ऑस्टर मशरूम हो सकती है बाकी तो हो सकते हैं एग्रीकस नहीं हो सकती ठीक है लेंटाइनस लेंटाइनस का टेम्परेचर पच्चीस से अट्ठाइस है यह ध्यान रखना मशरूम हमेशा जो है पच्चीस छब्बीस के आसपास होती है एक्सेप्ट एग्रीगल्स बाईस पोस और हाई ह्यूमिडिटी पर जैसे हमारा बारिश के मौसम होता है जुलाई अगस्त में वैसे मौसम में आती है मशरूम ज्यादा उसको एटी परसेंट ह्यूमिडिटी चाहिए एनवायरमेंट की प्यारे बच्चों इसके एमसी को आपको पी डी एफ बना के भेज देंगे क्योंकि इसके एम सी को दस बारह बनाऊंगा मैं एम सी कैसे आएंगे देखिए मान लिया मोरकेला दे दी आपको मोरल ये जो है उसमें पूछ लेंगे इनमें से कौन सी वाइल्ड है कौन सी कल्टीवेट नहीं होती बाकी सारी कल्टीवेटेड है आर्टिफिशियल है मोरल नहीं है फिर ये पूछ ली इनमें से कौन सी पॉइजनस तो है मान लिया सारी एडिबल दे दी तो पॉइजनस है ही नहीं अकेली या ये, ये पूछ ली भी सबसे लो टेम्परेचर में कौन सी होती है गिर हाई टेम्परेचर में कहलो ये सारी होती है तीस से पैंतीस डिग्री तक जा सकती है क्या इनका जो ना जो है हमें ये देनी पड़ेगी मतलब क्या सनलाइट में उगा सकते हैं नहीं उगाते हुए हमें थोड़ी सी इनको ना डिम वो चाहिए रोशनी सनलाइट नहीं चाहिए थोड़ी सी लाइट चाहिए फ्रूट बॉडी को जैसे हम जो है हमारे घरों में लाइट अंदर होती है वैसी वैसी चाहिए बस डिम लाइट तो इस तरह क्वेश्चन काफी बनेंगे इसमें और वो सारे क्वेश्चन आपको भेज देंगे तो मुझे लगता है कि आपको जो है इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाह रहा था मैं तो इस पर लेक्चर लगातार कई दिन तक दे सकता हूँ मेरे तो पास इतना मेटेरियल है लेकिन ये आपको कोई बी एस सी एमएससी पी नहीं सिंपली आपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन रीड करने और जितने न्यूज पेपर में आए हैं पिछले एक दो साल में वो सारे क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको जैसे टर्मिटोमाइसिस का मैंने न्यूज पेपर से लिया है ठीक है ना तो ये आपने जितने क्वेश्चन है और आपको भी कोई जो ना शंका हो तो हम संडे को फिर लाइव क्लास लेंगे आपको अनाउंस कर दूंगे जो भी मशरूम पे कोई भी क्वेश्चन है छोटे से छोटा बड़े कोई नहीं है आप कुछ भी पूछे अपनी क्यूरोसिटी से ताकि आपका एक क्वेश्चन मशरूम आ जाए तो वो गलत ना हो एक क्वेश्चन मशरूम या बी में से तो पिछली बार दो आ गए लेकिन एक जरूरत है ऐसे बी का भी मैं जो तो है आपको एमसीक्यू भी भेज दूंगा थैंक यू वेरी मच